Hello guys, welcome back to the channel, and today we are going to discuss our next topic, that is recruitment to All India Service. All India Service के बारे में हम previous lecture के अंदर देख चुके हैं. आज हम देखेंगे कि किस तरीके से जो recruitment है All India Service में वो की जाती है. ओके, इफ यू आर न्यू टू द चैनल देन सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, कमेंट एंड शेयर एज मच एज यू कैन. तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग मच टाइम आज के लेक्चर रिक्रूटमेंट. सबसे पहले समझिए कि रिक्रूटमेंट जो होती है ऑल इंडिया सर्विस की, वो की जाती है यूपीएससी के थ्रू. यूपीएससी मींस यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन. यूपीएससी जो है वो कैंडिडेट को सिलेक्ट करता है, मतलब एग्जामिनेशन जो है वो यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट की जाती है. अंडर आर्टिकल 320 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द यूपीएससी इज अमंग अदर थिंग्स रिक्वायर्ड टू बी कंसल्टेड ऑन ऑल द मैटर्स रिलेटिंग टू रिक्रूटमेंट टू सिविल सर्विस एंड पोस्ट. अगर सिविल सर्विस की रिक्रूटमेंट करनी है तो यूपीएससी को कंसल्ट करना जरूरी हो जाता है अंडर द आर्टिकल 320 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. यूपीएससी को हम अलग से कवर करेंगे, एक्चुअल में क्या स्ट्रक्चर है, किस तरीके से काम करता है कमीशन, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है तो उसके बारे में डिटेल में देखेंगे. बट रिक्रूटमेंट तीन तरीके से होती है, ठीक है. एक तो होती है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, यानी कि फ्रेश रिक्रूटमेंट जो हो रही है, नए बंदे लिए जा रहे हैं डायरेक्टली, आपको एग्ज़ाम कंडक्ट कर रहे हो उनका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो रही है. देन प्रमोशन, कि जो ऑलरेडी हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उनको प्रमोट किया जा रहा है, उनका प्रमोशन हो रहा है, दैट इज़ ऑल्सो द फॉर्म ऑफ रिक्रूटमेंट. देन ट्रांसफ़र, ठीक है. तो जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन होता है इंडिया के अंदर, इज ए नेशन वाइड कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन इन इंडिया कंडक्टेड बाई द यूपीएससी फॉर द रिक्रूटमेंट टू वेरियस सिविल सर्विस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. सिविल सर्विस एग्जाम कंडक्ट किया जाता है पूरे ऑल ओवर द इंडिया यूपीएससी के द्वारा, ताकि सिविल सर्विस के जो अलग अलग पोस्ट निकलती हैं उनको फुलफिल करने के लिए रिक्रूट किया जा सके नए पर्सन को. तो ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती है. यहाँ पर तीन फेजेस के अंदर एग्जामिनेशन होता है, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, मेंस एग्जामिनेशन और पर्सनालिटी टेस्ट, ठीक है. जो प्रेजेंट सिस्टम है रिक्रूटमेंट का टू ऑल इंडिया सर्विस एंड हायर सेंट्रल सर्विस इज इन अवर कंट्रीज बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन मेड बाय द फॉलोइंग कमेटी, मकौले कमेटी, कोठारी कमेटी एंड सतीश चंद्र कमेटी. इसमें से आपने मकौले कमेटी का नाम ज़रूर सुना होगा. जब हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं तो मकौले, ठीक है, लॉर्ड मकौले, उनकी एजुकेशन में भी इनका जिक्र आता है, ठीक है, और इनका जिक्र सिविल सर्विस रिफॉर्म से भी रिलेटेड है. मकौले कमेटी 1854 में अपनी रिकमेंडेशन देती है और सिविल सर्विस के रिगार्डिंग एक बेसिक पॉलिसी को जो है वो डिज़ाइन करके गवर्नमेंट को देती है, ब्रिटिश गवर्नमेंट को. तो वहीं से ओपन कॉम्पिटिशन का सिस्टम जो है इंट्रोड्यूस किया जाता है इन द सिविल सर्विस, फाइन. तो ये मकौले कमेटी की देन है. उसके बाद जो प्रेजेंट स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है, आज के दिन जैसे एग्जामिनेशन हो रही है, ये काफ़ी हद तक कोठारी कमेटी और सतीश चंद्र कमेटी की रिकमेंडेशन पे बेस्ड है, ठीक है. तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि इन तीनों कमेटी की देन जो प्रेजेंट सिस्टम है वो बेस्ड है. अगर आपसे कुछ रिफॉर्म के बारे में पूछा जाए तो आप इन कमेटी की जो रिकमेंडेशन है उनको कॉट कर सकते हो इन द सिविल सर्विस. प्लान ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन होता है ये दो स्टेजेस के अंदर होता है, जिसको पहले बोलते हैं प्रिलिमिनरी एग्जाम और मेंस एग्जाम, ठीक है. उसके बाद पर्सनालिटी टेस्ट होता है. देन सिविल द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन इज मेन फॉर द सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट फॉर द मेंस एग्जामिनेशन, व्हाइल द मेन एग्जामिनेशन इज मेन फॉर द सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट फॉर वेरियस सर्विसेज एंड पोस्ट. प्रिलिमिनरी एग्जाम आप इफ़ यू हैड द डिग्री, आपकी एज हो चुकी है, आपके पास बैचलर डिग्री है, तो आप सिविल सर्विस एग्ज़ाम दे सकते हो, ठीक है. अगर आप अप्लाई करते हो सिविल सर्विस एग्ज़ाम के लिए तो आपको प्रीलिम्स में अपीयर होना पड़ता है. अगर आप प्री क्लियर कर देते हो तो आपको मेंस में अपीयर होना पड़ेगा. अगर आप मेंस के एग्ज़ाम क्लियर कर देते हो, रिटन क्लियर कर देते हो, तो आपको पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए बुलाया जाता है. एंड फाइनल अगर आप क्लियर कर देते हो तो आप जो है सिविल यूपीएससी के जो एग्ज़ाम है उसमें सेलेक्ट हो जाते हो. तो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में दो पेपर होते हैं, पहला होता है जनरल स्टडी और दूसरा होता है सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट. दोनों 200 मार्क्स के होते हैं, राइट. जनरल स्टडी 200 मार्क्स, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट जो है वो 200 मार्क्स का होता है. इसमें से जो सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट होता है ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है. इसमें आपको, ठीक है, क्वालिफाई करना होता है. और जनरल स्टडी की हर साल कट ऑफ लगती है, कट ऑफ के अकॉर्डिंग आपको क्लियर करना पड़ता है. बात करें मेंस एग्जामिनेशन की तो मेंस एग्जामिनेशन के दो पार्ट हैं, रिटन एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू टेस्ट, ठीक है. रिटन एग्जामिनेशन की बात करें हम तो इसमें ऐसे का एक पेपर होता है, चार पेपर जनरल स्टडीज़ के होते हैं, एक आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना पड़ता है, उसके दो पेपर होते हैं ऑप्शनल के. फॉर एग्जांपल अगर आपने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट लिया है तो आपके दो पेपर होंगे, राइट. और इसके अलावा एक लैंग्वेज का होता है, जो भी आपकी लैंग्वेज है जो आप प्रेफर करते हो उसका टेस्ट होता है, और एक होता है इंग्लिश का, ठीक है. इसमें से लैंग्वेज का पेपर और इंग्लिश का पेपर आपका क्वालिफाइंग नेचर का होता है, बाकी के जो पेपर रह गए चार जनरल स्टडी के, आपके ऑप्शनल के और ऐसे का, इसलिए ये क्या है आपकी फाइनल जो कट ऑफ होती है उसके मार्क्स डिसाइड करते हैं, राइट.
और फिर आपका पर्सनैलिटी टेस्ट, तो ये सारे मिल करके क्या पूरा जो पैटर्न है वो बनता है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। बात करें आज की, तो एज ऑफ जनवरी 2012, जनवरी 2012 के बाद में जो एज लिमिट है वो 21 टू 30 ईयर है, ठीक है, 21 साल मिनिमम और 30 ईयर मैक्सिमम, बट द अपर एज लिमिट इज़ रिलैक्सेबल फॉर द SC एंड ST कैंडिडेट, ठीक है। बात करें IAS और IPS की, तो कैंडिडेट हैज़ टू बी सिटीजन ऑफ इंडिया। अदर सिविल सर्विस के लिए अलग अलग क्राइटेरिया है, बट फॉर IAS एंड IPS द कैंडिडेट हैज़ टू बी सिटीजन ऑफ इंडिया। और कैंडिडेट के पास एक डिग्री होनी चाहिए, बैचलर डिग्री होनी चाहिए ऑफ एनी ऑफ द यूनिवर्सिटी स्पेसिफाइड, और पोजेसिंग अ प्रोफेशनल और टेक्निकल डिग्री रिकॉग्नाइज बाय द गवर्नमेंट आर एलिजिबल फॉर एडमिशन टू द एग्जामिनेशन, फाइन। और जो बैचलर डिग्री के फाइनल ईयर में है वो भी इस एग्ज़ाम के अंदर अपीयर हो सकते हैं। 2011 के अंदर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का पैटर्न चेंज किया गया था, और उससे पहले क्या होता था, प्री के अंदर जनरल स्टडी का पेपर है 150 मार्क्स का होता था और सी सेट के बजाय एक ऑप्शनल सब्जेक्ट हुआ करता था। तो क्या किया गया 2011 के अंदर कि जनरल स्टडी के जो मार्क्स थे वो 150 से बढ़ा करके 200 कर दिए गए, और ऑप्शनल सब्जेक्ट को सी सेट से रिप्लेस कर दिया गया जो कि 200 मार्क्स का है, और जो प्री क्लियर कर देते हैं देन वो मेंस के लिए अपीयर होते हैं, जो मेंस को क्लियर कर देते हैं वो पर्सनालिटी टेस्ट को, पर्सनालिटी टेस्ट को जो क्लियर कर देते हैं वो क्या है फाइनली सिलेक्ट हो जाते हैं फॉर द सिविल सर्विस, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज। नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे सेंट्रल सर्विसेज के बारे में। टिल देन टेक केयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, कमेंट एंड शेयर एज मच एज यू कैन। थैंक यू।